ये है टोटल 5 अल्टीमेट वायरलेस माउस जो कि आते हैं अंडर 300 रुपीज़ में। प्राइस थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट हो सकती है लेकिन मैंने सारे माउस अंडर 300 रुपीज़ में ही परचेस किए थे। इनमें ज्यादातर पोट्रोनिक्स के ही माउस हैं। मॉडल नेम्स हैं पोट्रोनिक्स .22, जिंक्यू टेक्नोलॉजी, पोट्रोनिक्स .25, पोट्रोनिक्स .23 एंड लास्ट में है पोट्रोनिक्स .14। सेल्स आपको सिर्फ जिंक्यू में ही मिलते हैं, बाकी सारे पोट्रोनिक्स के माउस में आपको परचेस करने पड़ेंगे। सेल्स की साइज एंड क्वांटिटी आप स्क्रीन पे देख सकते हो। एंड कनेक्ट करने के लिए रिसीवर दिया है एंड इसे माउस में स्टोर कर सकते हो। ऑन ऑफ स्विच .25, .22 एंड जिंक्यू में नहीं है एंड .23 एंड .14 में अवेलेबल है। फिर भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर रिसीवर डिसकनेक्ट होगा तो माउस ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। एंड ये माउस में टोटल 4 बटन्स हैं एडजस्टेबल DPI के साथ .23, .14 एंड .22 में। एंड ये दो माउस में 3 बटन्स हैं, एडजस्टेबल DPI मिसिंग है, .25 एंड जिंक्यू। सभी माउस का DPI आप स्क्रीन पे देख सकते हो। एंड क्लिक्स की क्वालिटी सबसे अच्छी .23 एंड .22 में लगी। एंड ये तीनों में ऑलमोस्ट सेम ही है, 19-20 का ही डिफरेंस है। क्लिक साउंड टेस्ट, एंड स्क्रॉल व्हील की क्वालिटी ये तीनों में अच्छी है, रबर मटेरियल में दी है। एंड सेंसर की क्वालिटी ऐसी कुछ है सभी माउस में। एंड सभी माउस का वेट आप स्क्रीन पे देख सकते हो विथ सेल। एंड लुक्स में मुझे पर्सनली .23 एंड .14 अच्छा लगा, बाकी आपको ये भी अच्छे लग सकते हैं, सबकी डिफरेंट चॉइस होती है। एंड बिल्ड क्वालिटी सबसे अच्छी .22 की लगी क्योंकि फुटपैड्स अच्छी क्वालिटी में है एंड स्क्रॉल व्हील भी रबर मटेरियल में है। एंड ये तीनों की बिल्ड क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम ही है एंड जिंक क्यू लास्ट में है। ओवरऑल सभी माउस ही अच्छे हैं, सिर्फ 19-20 का ही डिफरेंस है। एंड मुझे ओवरऑल चूज करना होता तो मैं .23 एंड .14 एंड .22 परचेस करता, बाकी आपके ऊपर है, आप ये भी परचेस कर सकते हो।